SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल अहमद और आप देखना शुरू कर दिए वायरल कहानी एपिसोड नंबर 1। इस समय मैं एक उस ऐसी कहानी की बात करता हूँ जिसका अस्तित्व गुजरात से जुड़ा हुआ है। सन 1 मई 1960 में गुजरात बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 17 सितंबर 1950 में बॉम्बे में वाटनगर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका भविष्य बहुत ही अच्छा था। सन 1960 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र के दो रूपों में बॉम्बे को बांट दिया गया। उसके बाद जो बच्चा वाडनगर में बॉम्बे में पैदा हुआ था उसको गुजरात के वासी कहने लगे और 17 सितंबर 1950 का उसका जन्म। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र दामोदास मोदी की। आज मैं नरेंद्र दामोदास मोदी जी का अस्तित्व बताने वाला हूँ। जब नरेंद्र दामोदास मोदी अपने घर पैदे हुए तो उनका जो घर का स्थिति था वो बहुत ही खराब था। उस समय उनके पिताजी का एक स्टॉल था, टी स्टॉल, और उसमें वो चाय वगैरह और कुछ नाश्ता भी बनाते थे। उस समय नरेंद्र दामोदास मोदी लगभग 2 से 3 साल के थे, लेकिन जब नरेंद्र दामोदास मोदी बड़े हुए तो लगभग 14 और 15 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ अपने पिताजी के कामों में हाथ भी बटाने लगे। उस समय 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक वार हुआ था। जब नरेंद्र दामोदास मोदी अपने पिताजी के स्टॉल पे गए, बगल में स्टेशन था, तो उस समय जो सैनिक थे वो स्टेशन पे थे, तो उस सैनिक को उस समय नरेंद्र दामोदास मोदी के दिल के अंदर देशवासी के लिए बहुत ही प्यार था। वो एक असली देशभक्त थे, तो उस समय सैनिक के लिए वो बहुत ही अपना दिलोजान से मेहनत किए और उनकी खातिरदारी की है। फिर सन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ और यही कहानी उसमें भी। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।